50,000 रुपीज का लोन 240 days यानी जो है 8 months के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ऐसा इस एप्लीकेशन का कहना है। इस वीडियो में आपको लाइव अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ और आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन फीड करके आसानी से जो है लोन ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स को जो है लोन मिला भी है, आपको पूरा डिटेल में लाइव दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट क्लियर करके। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल माइंडसेट बुक में। दोस्तों अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन को जब ट्राई करते हैं तो वहाँ पे आपको मुश्किल से 7 days 21 days और 30 days मैक्सिमम जो है लोन का टेन्योर मिलता है। अगर कोई ऐसा लोन एप्लीकेशन मिल जाए जो आपको 50,000 रुपये का लोन दे और टेन्योर भी बहुत अच्छा खासा प्रोवाइड करे तो आप आँख मूंद के जो है अप्लाई करेंगे और आप वहाँ पे लोन के लिए लगभग सारी चीज़ें जो है अपलोड करेंगे, अपना इन्फॉर्मेशन, अपना डॉक्यूमेंट, लगभग कंप्लीट चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लाइव अप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद मैं बाकी के डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इंस्टेंटली फ़ोन से घर बैठे जो है लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन को फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करते के साथ ही आपको परमिशंस देने होंगे इस एप्लीकेशन को, अपने कैमरा, ऑडियो, अपने कॉन्टैक्ट को रीड करने का, जो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेप्ट करना होगा, अलाउ करना होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आगे मूव करेंगे। आगे बढ़ने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ये यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए तक का जो है लोन ऑफर किया जाता है जो कि 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो लोन का पीरियड यहाँ पे कम से कम 92 days और मैक्सिमम 720 days यानी लगभग 2 years का जो है मैक्सिमम समय आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो होगा आपको अपना फ़ोन नंबर OTP के ज़रिए जो है वेरीफाई करना होगा, उसके बाद आप अगले स्टेप पे मूव करेंगे। अगले स्टेप में ये 3 steps आपको कंप्लीट करने होंगे अपने लोन एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, फेस रिकॉग्निशन और बैंक इन्फॉर्मेशन, ये 3 steps कंप्लीट करने के बाद अब आप आगे लोन के लिए जो एप्लीकेशन अपना कंप्लीट कर सकेंगे। इसमें आपको अपना नाम डालना है, अपना जेंडर डालना है और आप मैरिड हैं या अनमैरिड वो लिखना है, ईमेल आईडी डालना है और सिर्फ यहाँ पे पैन आईडी आपको यहाँ पे फीड करना है। जैसे ही ये चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे अब अगला स्टेप आपको दिखाई देगा जो कि आपको फेस रिकॉग्निशन अपना देना होगा। फेस रिकॉग्निशन कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे देना होगा अपना बैंक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप अपना जो भी ये लोन ले रहे हैं उसको रिसीव करना चाहते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से जो है दिखाई देगा, यानी कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अपनी फीड करी है उसको ये कुछ सेकंड्स का समय लेगा और क्रेडिट को एनालाइज करेगा और फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की एलिजिबिलिटी मुझे मिली हुई है जो कि 120 days से लेकर 240 days का मुझे एलिजिबिलिटी, यानी अगर मैं 50,000 सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 240 days के लिए लोन आसानी से मिल सकता है। इसके ऊपर ओनली 986 रुपीज़ मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट पे करने होंगे। टोटल यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं टोटल रीपेमेंट 50,717 रुपये मुझे यहाँ पे करने होंगे, क्योंकि मैं पहले मुझे जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा इन्हें 248 रुपये प्लस GST जो कि 41 रुपीज़ है। और यहाँ पे ये बता भी रहे हैं कि इतने लोगों ने जो है लोन लिया हुआ है, ये रेंडमली चेंज भी होता रहेगा जब आप यहाँ पे देखेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 मिनट का जो है यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए ही ये ऑफ़र आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप इसको नहीं करते हैं 2 मिनट के अंदर तो ये स्किप होता चला जाएगा। अब ये चीज़ें देख कर जो है ना मैक्सिमम 99% ऐसे यूजर हैं जो कि 228 रुपये यानी लगभग 300 के आसपास जो है इन्हें पे करना शुरू कर देंगे, और लगभग बहुत सारे यूजर्स इसे जो है 300 करके पेमेंट कर भी चुके हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन एक भी यूजर को लोन नहीं मिला होगा। ये सभी फ्रॉड एप्लीकेशन है। आज के डेट में डेली लगभग 10 से 50 ऐसी एप्लीकेशन पब्लिश हो रही हैं जो पूरी तरीके से फेक तरीके से काम करती हैं और लोन जो है आपको किसी भी तरीके का नहीं देती हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। अब आइए देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन है, उसके बाद कुछ और इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं इस एप्लीकेशन का नाम है हाई मनी। मैंने इस एप्लीकेशन को इसलिए इंस्टॉल किया था अपने फ़ोन के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगभग 300 का रिव्यू जो कि 4+ का है, 1 लाख यूजर्स ने इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड भी किया है जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं।
अगर आप इसके अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी और साथ में एड्रेस भी दिया हुआ है। मुझे लगा ये बढ़िया एप्लीकेशन होगा, मैंने इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल किया, ये जो है यहाँ पर आपका कॉल लगेगा ही नहीं, डिसकनेक्ट हो जाएगा जब भी आप कॉल यहाँ पे इनको करेंगे। अब जैसा कि देख पा रहे हैं 1,00,000 यूजर्स ने डाउनलोड किया है और अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिसमैच है, 6 जुलाई को रिलीज हुआ है और 2 जुलाई को अपडेट हुआ, यानी रिलीज करने से पहले ही अपडेट हो चुका है एप्लीकेशन। तो दोस्तों अगर आप ऐसे किसी एप्लीकेशन से अगर आप इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन के अंदर और लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे किसी भी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें अपने फ़ोन के अंदर। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन आपको मिलता है तो इस 3 डॉट पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको फ्लैग करने का ऑप्शन दिखाई देगा, फ्लैग करिए उस एप्लीकेशन को जो इस तरीके का जो है चीट फंड करता है, फ्रॉड करता है यूज़र के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लोन लेने के लिए कभी भी लालच में ना आए, चाहे वो टेन्योर कितना भी हो, चाहे वो लोन अमाउंट कितना भी हो। वीडियो अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द आपके लिए एक जेन्युइन एप्लीकेशन जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ताकि आप आसानी से लोन ले सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।